करंट बन तो रहा है कुछ ना कुछ, देखते हैं बनेगा ही कुछ ना कुछ तो आज बने। फ्रेंड्स बड़ा ही मजा आ रहा है मानसर झील के अलग ही नजारे। सो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अदाब। सो वेलकम टू वन मोर व्लॉग। तो आज सारी फैमिली बैठ गई है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज हम जा रहे हैं मानसर में, तो एक छोटी सी पिकनिक बनाने चलते हैं मानसर में। तो मानसर हमारे जम्मू के सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो एक थोड़ा सा आउटिंग हो जाएगी, साथ में एक छोटी सी पिकनिक हो जाएगी। तो फैमिली सारी बैठ गई है यहाँ पे, तो ये पापा बैठ गए हैं सभी। हेलो कर दो फिर शिवाली। मम्मी हेलो कर दो फिर। तो फ्रेंड्स सीधा मिलते हैं आपको हम मानसर में, तो व्लॉग के साथ बने रहिए और देखते रहिए हम क्या क्या करते हैं, क्या क्या मजे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं हम। तो फ्रेंड्स बारिश भी आ गई है थोड़ी थोड़ी। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए चीची माता, तो माथा टेकना यहाँ पे जरूरी है, जब भी यहाँ से जाते हैं माथा जरूर टेकते हैं यहाँ पे, तो आप भी माथा टेक लीजिए। तो चलते हैं सीधा फ्रेंड्स मानसर की तरफ, तो व्लॉग के साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स अभी हम दिखाते हैं आपको थोड़ा पहाड़ों का व्यू, तो पहाड़ों के नज़ारे लीजिए। तो फ्रेंड्स वो देखिए कितने सारे ट्रक्स लगे हैं, कितना अच्छा डिज़ाइन लग रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं मानसर, तो चलिए अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स पहुंच गए हैं हम मानसर में। तो फ्रेंड्स थोड़ी यहाँ पे चादर वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं थोड़ी, तो बैठते हैं अभी यहाँ पे। पेश वाली मम्मी पापा। तो फ्रेंड्स सारा सामान वगैरह आ गया खाने पीने का, तो ये ठंडी कुई से हमने पकोड़े वगैरह लिए थे पनीर वाले, तो बाकी सामान वगैरह आ गया। तो ये सोच रहे होंगे आपकी मैगी अब बनी तो है नहीं, ऐसे ही ले आए हैं, तो फ्रेंड्स इसका भी हम इलाज करेंगे अभी। तो चलिए फ्रेंड्स पकोड़े खाते हैं, तो बताते हैं आपको कैसा टेस्ट है। ठंडी कुई के पकोड़े वैसे बेस्ट ही होते हैं, तो आइए फ्रेंड्स खा लीजिए पकोड़े गर्म गर्म, गर्म ही है वैसे। गर्म ही है। तो फ्रेंड्स आपको बताया था कि मैगी का पैकेट लाए हैं, तो मैगी का पैकेट खाली, तो मैगी का पैकेट बनाने के लिए अभी हमें सामान भी लाए हुए हैं घर से, तो ये ऑनलाइन खरीदा था मैंने ये और ये। तो चलिए आपको बताते हैं कि है क्या ये चीज़। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा स्टोव, तो इसको बताते हैं कैसे यूज होता है। मैं फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ। तो ये फ्रेंड्स हमारा चूल्हा हो गया तैयार, तो ये इसका सिलेंडर, तो ये लगा के देखते हैं अभी। हाँ ठीक है। तो फ्रेंड्स हम प्याज टमाटर घर से लाए थे, तो चलिए प्याज काटते हैं पहले, तो फिर बनाते हैं एक अच्छी सी मैगी और घर वालों को खिलाते हैं आज मैगी मेरे हाथ की बनी हुई। फ्रेंड्स टाइम थोड़ा ज़्यादा लग रहा है आपको पता है, कभी कम ही करता हूँ काम वैसे, थोड़ा अभी शिफाली से कटवाते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी हाथ मारेगी, तो घर वाले भी वेट कर रहे हैं कहते बड़ा टाइम लगा रहा तू, तो चलिए शिवाली को देते हैं थोड़ा। शिवाली ये ले काट दी, कितने मैंने काटे हैं काटा ही नहीं, ये मैंने काट दिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, घर वाले कह रहे हैं इतना वेट नहीं होता। टाइम भी ज़्यादा लग रहा, सही काट भी नहीं ना रहा, सही कहाँ काटे
सही काटे बड़े बड़े काट काटने हैं, छोटे छोटे काटने थे। तो फ्रेंड्स हम रखते हैं पहले कढ़ाई, और कढ़ाई गरम करके थोड़ा सा तेल गरम करते हैं। फिर शिवानी काट रही है, फ्रेंड्स हमारा चूल्हा हो गया स्टार्ट, तो गरम करते हैं इसको। ठीक है, थोड़ा तेल है, ठीक है कुछ। तो फ्रेंड्स देखिए तेल गरम हो रहा है, इसका मतलब हमारा चूल्हा वर्किंग है। फ्रेंड्स प्याज और टमाटर डालते हैं अभी थोड़ा कटे डाल देते हैं। बन तो रहा है कुछ ना कुछ, देखते हैं बनेगा ही कुछ ना कुछ, तो आज बनेगा ही। तो थोड़ा गार्लिक पेस्ट डालते हैं बस, थोड़ा फ्रेंड्स इसको थोड़ा पकने देते हैं, और थोड़ा जैसे ही थोड़ा इसका रंग थोड़ा ब्राउन ब्राउन होगा तो फिर डालते हैं मैगी। इसमें डालते हैं पानी, थोड़ा पानी डाल लगा लगा थोड़ा पानी नहीं हो रही है। फ्रेंड्स मसाले वगैरह डाल रहे हैं, तो आज तो मैगी हमारी मैगी डल गई है, तो करते हैं अभी वेट, थोड़ी सी नरम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स मैगी बन रही है हमारी, देखने में तो काफ़ी टेस्टी लग रही है, वो खाने में घर वालों को पूछेंगे कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स लगता है हमारी मैगी हो गई है तैयार, हो ही गई है वैसे। तो फ्रेंड्स खिलाते हैं अभी आपको गरम गरम मैगी, तो बहुत ही अच्छी, इसका कलर वगैरह देखो कितना अच्छा आया है, थोड़ा पास करिए कैमरा, तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका, अभी देखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स डालते हैं मैगी और खिलाते हैं घर वालों को, टेस्ट करवाते हैं कि कैसी बनी है, देखने में तो अच्छी लग रही है। मेरे चम्मच निकालो, पहले देते हैं मम्मा को, तो पहले खिलाते हैं मम्मी को और टेस्ट करते हैं मम्मी। फ्रेंड्स दूसरी प्लेट पापा के लिए, शिफाली हंस रही है, कह रही है आज पता नहीं कैसे मैगी बनाई है, मैगी तो बना दी है, चलो देखते कैसी बनी है, इसमें मैगी खा के देखते हैं। अच्छी है, टेस्टी है, टेस्टी फ्लेवर भी अच्छा है, और बात अच्छी की नहीं है, लेकिन आउटसाइड में जो खाने का मज़ा आता है ना वो अलग ही होता है, और वो भी यहाँ बनाकर एक स्पेशल एक्सपीरियंस, नया स्टोव, नया गैस और नया कुक, मज़ा ही आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुक मेरी बात हो रही है, ठीक है, ये नहीं समझ लेना कि किसी और ने बनाई है मैगी, आज मैंने बनाई है। तो ये देते हैं अभी शिवाली को, तो शिवाली को भी टेस्ट कराते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट में अपने लिए खुद भी टेस्ट करके देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम थोड़ा टेस्ट करके बताते हैं कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल डिलीशियस, बड़ी अच्छी बनी है, घर से भी बहुत अच्छी बनी है। एक तो होता है ना बाहर का जो माहौल खाना बनाने का, आदि तो वाइब्स आसपास से ही आ जाती है, इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, तो चीज़ें क्यों नहीं अच्छी बने। तो बहुत ही अच्छी मैगी बनी है, तो बाकी शिवाली खा रही है, शिवाली कैसी बनी है, तो वहाँ पर मम्मा और पापा खा रहे हैं, तो मज़ा आ गया फ्रेंड्स। तो आप भी खा लो गरम गरम मैगी, तो टेस्ट करके बताओ, और कैसा लगा मेरा ये कुकिंग व्लॉग तो कमेंट में ज़रूर बताना कि व्लॉग कैसा लग रहा है। तो व्लॉग के साथ बने रहिए, अभी फ्रेंड्स आपको पूरा मानसर भी घुमाना है अभी आपको। तो फ्रेंड्स चाय आ गई है गरम गरम, तो ये हम घर से ही लाए थे, तो अभी चाय पीते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये है हमारी असली जम्मू की पहचान। तो इनको कौन नहीं जानता जम्मू में, तो ये हमारी फेमस हस्ती जम्मू की। तो चलिए इनके साथ थोड़ी जुगलबंदी करते हैं, तो आपको भी सुनाते हैं। तो इसमें मैं छोटी छोटी क्लिप्स डाल दूंगा, तो बाकी पूरी वीडियो देखने के लिए मैं इसको अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा, तो वहाँ पे आप देख लेना। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए मानसर झील के नज़ारे। तो फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं, मछलियाँ देख लो यहाँ पे। कि मछलियाँ वगैरह को आटा वगैरह डाल दिया, तो चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा मानसर के नज़ारे। फ्रेंड्स, तो देख लो कैमल। फ्रेंड्स, ये देख लीजिए कैसी तेरी खुदमर्जी, ना तो कुछ लेना चाहूं, कैसी तेरी खुदमर्जी, किसे ठोर टिके ना पाऊं, कैसी तेरी खुदमर्जी, ना तो कुछ लेना चाहूं, कैसी तेरी खुदमर्जी। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं इस साइड, मेला वगैरह लगा हुआ है, झूले वगैरह लगे हुए हैं, तो आपको दिखाते हैं सारा यहाँ का। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ गए हैं बोटिंग वाली साइड में, तो अभी बोटिंग करते हैं थोड़ा। तो फ्रेंड्स, बोटिंग ड्रेस वगैरह डाल ली है, शिवाली भी डालेगी अभी, तो चलेंगे अभी सीधा बोटिंग में और दिखाते हैं आपको नज़ारे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बैठ गए हैं बोट में, तो बोट के नज़ारे ले रहे हैं, तो ठीक है शिवाली। तो शिवाली, हाय कर दो फिर। मज़ा आ रहा है चली? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स, ये पापा बैठे हुए हैं, तो नज़ारे ले रहे हैं हम झील के। और पापा, मज़ा आ रहा नहीं? नज़ारा ही लग गया है, नज़ारा ही, झील के नज़ारे ही लगे ना। यहाँ पर तो काफ़ी बार आए हैं, लेकिन अब काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, दो साल के बाद ही आ रहे हैं। हाँ, 2 साल हो गए होंगे अभी आए हुए ना।
फ्रेंड्स बड़ा ही मज़ा आ रहा है, मानसर झील के अलग ही नज़ारे हैं। तो काफ़ी देर बाद में, 2-3 साल बाद आए हैं यहाँ पे, तो अभी काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बदल गई हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है बोटिंग। तो फ्रेंड्स आप भी बोटिंग के नज़ारे लो यहाँ पे, वो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मज़ा आ रहा है। मानसर झील के नज़ारे ले रहे हैं, मौसम भी प्लेजेंट है ना, है मौसम भी अच्छा है यार, थोड़ा ठंडा भी है, आज थोड़ा बारिश के कारण ना थोड़ा मौसम भी अच्छा हो गया। फ्रेंड्स बड़ा मज़ा आ रहा है, आप भी नज़ारे लो मानसर लेके। तो फ्रेंड्स ये रास्ते में कुछ पंछी, कुछ बर्ड्स यहाँ पे देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। फ्रेंड्स चलते हैं अभी सीधा, आधा घंटा हो गया, तो यहाँ पे 200 रुपीज़ है आधे घंटे के लिए। तो मम्मी वो बैठे हैं पीछे, थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ आपको, ये देखो बैठे हुए हम, मम्मी हाय करते हुए। चल तो मम्मी यहाँ पे ही बैठे हुए थे, तो मम्मी का मन भी नहीं कर रहा था साथ में, कह रहे थे थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है बैठने में, तो ऐसे तो पहले तो बड़ा लिया नहीं मम्मी, पहले की बात अगर सामान भी कौन रखेगा। मम्मी का बहाना अच्छा है कि सामान रखने का, ठीक है चलो फ्रेंड्स चलते हैं यहाँ से। तो हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्कूल के बच्चे भी दिख गए मुझे, तो हेलो कर दो मैम, हाय करो, हेलो आप भी करो, और भी आप भी करो हाय। तो फ्रेंड्स आई होप सभी ने व्लॉग को एंजॉय किया होगा, मानसर व्लॉग को एंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स अगर अच्छा मज़ा आया आपको इस व्लॉग को देख के, तो कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा। तो मेरे आगे की वीडियो के साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल विशाल राही को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, तो बाय कर दो जी।